मेरा मैंने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 265 पे खरीदे हैं 200 शेयर और आज तुझे नीचे है और एक साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ और ऐड करूँ या इसमें एडजस्ट करूँ। ओके गावा सर, इसमें तो बहुत न्यूज़ डेवलपमेंट पिछले 2-3 दिनों में हो गया। प्रमोटर साहब ने स्टेक बेचा है और बोर्ड से भी वो निकल जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। बहुत सारे बड़े बड़े लिस्ट है पूरी एक जो फंड्स ने इसमें एंट्री कर ली है, लेकिन स्टॉक नीचे है, इनके प्राइस से काफ़ी नीचे आ गया, 236 पर ट्रेड करा है, तो इनको होल्ड करना चाहिए क्या? और ये कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो किस लेवल पे करें? पर जिद नहीं होना चाहिए कि हमको ऐड कर सकते हैं, कमाना है तो इसी स्टॉक से कमाना है, वैसा जिद नहीं होना चाहिए मार्केट में। 200 रुपये में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ब्रीच हो जाता है तो वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली में लगता है वहीं पर मेक और ब्रेक जोन है। अब 2 दिन से जो गिरावट देख रहे हैं हम इंडियाबुल्स हाउसिंग में, ये न्यूज भी है कि गेलर साहब ने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है जब तक ये 300 पार नहीं करता तब तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 200 में मेक और ब्रेक जोन है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, मेक और ब्रेक जोन है, उस पर ध्यान रखिए और थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, इसमें तो ठीक ठाक रहेगा। अच्छा गावा सर, कुछ सवाल ट्विटर से